मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए मॉडर्न थ्योरी में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैसेज इज डिस्पैच्ड टू रिसीवर एंड एक्सप्रेस रिस्पॉन्स आफ्टर रिसीविंग टू द मैसेज एज फीडबैक. देखिए इसमें क्या है कि जब कम्युनिकेशन के जरिए एक मैसेज पहुँचाया जाता है, जब रिसीवर उस मैसेज को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने के बाद उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी देखना चाहिए किसके जरिए, फीडबैक के रूप में. यानी कि मैसेज रिसीवर ने ले लिया, उसको समझ में आया कि नहीं, उसका फीडबैक भी लेना ज़रूरी है. ये किसके अंदर आएगा, ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आएगा. ठीक है फ्रेंड्स, डिफरेंट स्टेज फॉलो. देखिए इसमें क्या है, डिफरेंट स्टेज जो फॉलो की जाती है, पहली है इनपुट. इनपुट में क्या है, आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन विच सेंडर वांट्स टू ट्रांसमिट. इसमें क्या है कि जो आइडिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो सेंडर देना चाहता है, इसमें ये है इनपुट में. मैसेज क्या है कि किसके जरिए देना है, ठीक है, सॉरी मैसेज क्या है कि क्या इन्फॉर्मेशन देनी है. आइडिया में होता है ना कि इन्फॉर्मेशन हमें वो देनी है, सेंडर को इन्फॉर्मेशन देनी है. मैसेज क्या होता है कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, कि वो मैसेज एक्चुअली है किस पे बेस्ड. चैनल क्या है कि लेटर, रिपोर्ट, यानी कि माध्यम कौन सा है, लेटर है, लेटर लिखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, टेलीफोन है, ईमेल, फैक्स है. ये आज का जो मॉडर्न थ्योरी जो है कम्युनिकेशन, उसका ये बताया गया है. ठीक है, आप ईमेल कर सकते हैं किसी को बैठे बैठे, फ़ोन कर सकते हो, ठीक है, वीडियो कॉल कर सकते हो, फैक्स कर सकते हो, रिपोर्ट, लेटर, सब कुछ. ठीक है, आउटपुट क्या है, मैसेज गेट बाय रिसीवर, यानी कि मैसेज जो रिसीवर ने प्राप्त किया है तो वो है आउटपुट. फीडबैक क्या है कि रिसीवर को मैसेज समझ में आया कि नहीं आया, वो क्या है इसका फीडबैक, यानी कि इसकी प्रतिक्रिया. देखिए इसमें क्या है, स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी. दिस थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय नोएल न्यूमैन. अकॉर्डिंग दिस थ्योरी मीडिया पब्लिसाइज ओपिनियन एंड पीपल एडजस्ट देयर ओपिनियन अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन. देखिए इसमें है क्या, इसमें सिंपल सा ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया जो है वो लोगों की जो राय है, मीडिया क्या है, इसमें है क्या है कि जो राय है उसका जो ओपिनियन है, ठीक है, मीडिया जो क्या करता है कि जो राय होती है उसका प्रचार करता है और लोग अपनी धारणा के अनुसार अपनी राय को समायोजित करते हैं. यानी कि मीडिया क्या है, ओपिनियन रखता है. यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मीडिया को अपने ओपिनियन रखने हैं. उसमें क्या है कि जो लोग हैं उसके अकॉर्डिंग अपने तो अब हम बात करेंगे स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी की. दिस थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय नोएल न्यूमैन. अकॉर्डिंग दिस थ्योरी मीडिया पब्लिसाइज ओपिनियन एंड पीपल एडजस्ट देयर ओपिनियन अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन. यानी कि इसमें है क्या, आप ये देखिए इसमें क्या है. पहली बात तो ये जो है नोएल न्यूमैन ने इसे प्रतिपादित किया, ये सिद्धांत उन्होंने तैयार किया है. इस सिद्धांत के अनुसार जो मीडिया है वो ओपिनियंस का, यानी कि वो राय का, जो अलग अलग ओपिनियन है उसका वो प्रचार करेगा और लोग अपनी धारणा के अनुसार, यानी कि लोग अपने अकॉर्डिंग, जो जनता है अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी धारणा के अनुसार अपनी राय को बनाएंगे. यानी कि जो मीडिया है उसका काम क्या है, ओपिनियन को रखना, लोगों को ये समझना है कि जो ओपिनियन रखा गया है वो क्या है, वो सही है, गलत है, क्या है, वो अपनी धारणा खुद बनाएंगे. ठीक है, जब आपको टीवी में कोई न्यूज़ दिखाई जाती है तो उसमें होता है ना कि जैसे आपको कोई न्यूज़ दिखाई जा रही है तो कुछ लोग उसे सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं, तो यानी कि आपको उसमें अपनी धारणा बनानी है. पीपल डू नॉट ओपनली एक्सप्रेस डिवेंट ओपिनियन एंड चेंजिंग फॉर्म डिफरेंट ओपिनियन. देखिए लोग खुले तौर पर विचलित राय और बदलते रूप को अलग मत नहीं मानते. देखिए इसमें क्या है कि लोग क्या है, जैसे कोई भी चीज़ हो रही है, ठीक है, जैसे वोटिंग की बात हो तो सीधे तौर पे ये नहीं कहते कोई कि मैं इसको वोट डालूंगा, मैं उसको वोट डालूंगा, है ना. तो उसमें क्या है कि वो सीक्रेट तौर पर काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि खुले तौर पर वो क्या करते हैं, वो अलग अलग मत नहीं मानते, ठीक है, अंदर से चाहे वो गवर्नमेंट से खुश ना हो, ठीक है, पर बाहर से सभी लोगों के साथ चलेंगे कि हाँ जैसा लोगों की राय है वैसा ही चलेंगे. ठीक है, तो इनोवेटर्स एंड चेंज एजेंट्स आर अनफ्रेड टू वॉइस डिफरेंट ओपिनियन एज दे डू नॉट फियर आइसोलेशन. देखिए इसमें क्या है, जो इनोवेटर्स हैं और जो एजेंट्स हैं वो क्या है, वो अलग अलग अपनी राय देने से बेखबर है क्योंकि उन्हें अलगाव का डर नहीं है. इसमें क्या है कि देखिए उन्हें क्या होता है कि कुछ जो इनोवेटर्स हैं कुछ है वो क्या करते हैं कि अपनी जो आवाज़ है, जो अपनी वो राय है वो देते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं होता कि हाँ हमें ये
इससे डर नहीं होता कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो क्या करते हैं अपनी राय वो है जो देते हैं, यानी कि जो आम जनता है वो अपनी राय सीधे तौर पर नहीं दे पाती, लोगों के सामने नहीं रख पाती, वो अपने मन में धारणा बनाते हैं। तो जो इनोवेटर्स हैं ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो ओपिनियन अपना रख देते हैं, तो उन्हें किसी बात का डर नहीं। तो मिलता है अगली वीडियो।